तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मैं सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है देवली टोंक। जो देवली टोंक में है वो कौन से व्हीकल यहां पर दिए गए और यहां पर क्या सिस्टम यहां पर रहा ड्राइविंग का। तो सबसे पहली बात, तो व्हीकल कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी सेशन को शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। देवली टोंक जो सीआईएसएफ का सेंटर है, सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में बात कर रहा हूं। व्हीकल यहां पर आपको बस और बोलेरो ये दो गाड़ियां मिल रही है। ऑप्टिकल की बात करता हूं तो एच ऑप्टिकल बोलेरो गाड़ी में है जो कि 14 फीट और 13 फीट का है। यानी कि जो एच है ये जो पोर्शन है ये आपके 14 फीट का है और ये बीच वाला जो है ये आपके 13 फीट का है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, जो बस है ये रिवर्स में है भाई, आपका एच क्या है रिवर्स में है। अब बात करता हूं बस के बारे में, तो बस आपका एट ऑप्टिकल फ्रंट में है, फॉरवर्ड में एट ऑप्टिकल है भाई। और ये 18 फीट का ट्रैक है, 18 फीट से 52 सीटर बस है, 52 सीटर बस है। और आपको यहां पे एट ऑप्टिकल पे फॉरवर्ड में बस को चलाना है। साथ ही दोस्तों यहां पे अब एल पार्किंग और जिगजेग ये बसें करनी होगी। वो कैसे है ये देखो, पार्किंग है, ये पार्किंग है। तो यहां से आपको यहां ये जो है पार्किंग आपकी ये जिगजेग है, पहले आपको गाड़ी यहां और यहां और ये आपको यहां पर पार्क गाड़ी को करना है। ये आपका इस टाइप का जिगजेग है और यहां से रिवर्स आएगी और सॉरी फॉरवर्ड यहां जाके फिर रिवर्स में यहां से यहां पार्क हो जाएगी। तो इस जिगजेग में आपकी गाड़ी फॉरवर्ड प्लस रिवर्स दोनों हो रही है। यानी यहां से गाड़ी चली, यहां गाड़ी चल के ये फॉरवर्ड में यहां गई, फिर यहां से अब रिवर्स में यहां जाके यहां पार्क हो जाती है। तो इस टाइप का यहां पे कुछ ऑप्टिकल से लिया गया है। लेवल की बात करता हूं तो लेवल काफी ज्यादा हार्ड है। रीजन है ये जिगजेग, रीजन जो जिगजेग है ये आपको मैंने बताया है। इस जिगजेग की वजह से गाड़ियों पे सबसे ज्यादा बच्चे यहां पे पार्किंग में फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका एल प्लस जिगजेग दोनों बस के द्वारा एक साथ हो रहे हैं। जो जिगजेग पे गाड़ी चला लेता है, ट्रैक एकदम चौड़ा है, ट्रैक 18 फीट का यही बता रहे हैं, ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से यहां फ्रंट फॉरवर्ड में फिर रिवर्स में कैसे ले जाएं, क्योंकि गाड़ी की डायरेक्शन हल्की सी तिरछी रह जाती है। इस चीज से आपको बचना है। तो देवली टोंक के बारे में काफी फीडबैक अच्छा नहीं है, यहां पे काफी बड़ी संख्या में लड़के फेल हो पा रहे हैं। मात्र दो चार लड़के ही यहां पे ड्राइविंग में पास हो पा रहे हैं। तो जो भी साथी तैयारी कर रहा है दोस्तों, स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप विजिट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8764188848। दोस्तों हमारे पास में 52 सीटर बस भी है, एस मॉडल ट्रक भी है, कैंटर भी है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, टाटा 4x7 सारी गाड़ियां मौजूद है। आप जिस गाड़ी से चाहें उस गाड़ी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपके पास में भी इस प्रकार की किसी भी सेंटर की इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि लड़कों को इस इंफॉर्मेशन से रूबरू करवाया जा सके कि आपको जो ऑप्टिकल मिल रहे हैं वो कौन सी साइज के मिल रहे हैं और आपको उस पर किस बात का ध्यान रखना है। व्हीकल में जो बोलेरो दी जा रही है एच ऑप्टिकल पे, एच ऑप्टिकल भी काफी टाइट बताया जा रहा है। यहां पे 14 फीट का ट्रैक है और 13 फीट बीच में से है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहां पे 13 फीट है बच्चों के लिए बनती है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस है आप इसको भी कर सकते हैं। और स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल लगातार आपको 13 फीट के ट्रैक पे ही गाड़ी की तैयारी है वो करवाता है। वहां पे आपको गाड़ी पावर में मिलेगी, पावर स्टेयरिंग है, बस भी पावर स्टेयरिंग है और बोलेरो भी पावर स्टेयरिंग है। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।